आज का हमारा टॉपिक है कि एयर कंडीशनर्स आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं या नहीं। एयर कंडीशनिंग हमको बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं इस हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। और ये मैं कह सकती हूँ कि ये आजकल की एक नीड हो गई है जो नियरली हर घर में पाई जाती है। तो एयर कंडीशनिंग आप अगर देखें तो बहुत सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिस, इन सब जगहों पे सेंट्रलाइज्ड एसी हो गए हैं, जिसे आप अपना नहीं कंट्रोल कर सकते कि आपको कितना ठंडा चाहिए। तो जिस एनवायरनमेंट में आपको यू हैव टू वर्क है, तो आपको वो सहन करना होता है। यस, एसी इज गुड, वो आपको एक रिलैक्सेशन फीलिंग देता है, एक ठंडक मिलती है जो आप बाहर से सडनली हॉट एंड ह्यूमिड से आप सडनली ठंडे एनवायरनमेंट में जाते हो। सो एनी वन फील्स गुड ऑफ कोर्स, बट एसी की जो हवा रहती है, सो व्हाट हैपेंस इज एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनर से जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है। दैट्स व्हाई यू फील वेरी कूल और आपको बहुत ठंडक महसूस होती है। बट ये जो मॉइस्चर एनवायरनमेंट से निकल रहा है, मतलब वो आपकी स्किन से भी आपका मॉइस्चर जा रहा है। आपका स्किन का मॉइस्चर, हाइड्रेशन, इलास्टिसिटी, ये सब अफेक्ट होता है एयर कंडीशनर की वजह से। आप ड्राइनेस की वजह से, मतलब आपका मॉइस्चर अगर निकल गया आपके स्किन से, तो आपकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाता है। जिनको ऑलरेडी, जिनकी ऑलरेडी स्किन ड्राई है, उनको एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको एसी में रहके तकलीफ हो सकती है। नॉट, या अगर आपको ये तुरंत दिखना ज़रूरी नहीं, बट इन लेटर काफ़ी समय तक आपका वही अगर एक्सपोजर रहा, तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेक्स निकलते हैं, स्केली हो जाती है, स्ट्रेची फील करती है। तो मतलब अगर इतना एक्सट्रीम हो रहा है, तो आप अपना एसी का लिमिट कम कर दीजिए। अब जैसे आपका अगर आप कंटिन्यू बहुत सालों तक आप एसी में ही कंटिन्यू हैं, सो यस, दिस लीड्स टू अर्ली एजिंग। क्योंकि अगर आपका मॉइस्चर निकल रहा है आपकी स्किन से, इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी कम हो रही है, उसका प्लम्पनेस जा रहा है, वो सॉफ्ट नहीं है, तो इस वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी दिखने लगते हैं। तो एसी में आप बहुत समय से हैं, बहुत सालों से हैं, वही है, तो आप थोड़ा चेंज कीजिए, बिकॉज इस वजह से आप अपना एजिंग प्रोसेस भी डिले करते हैं। तो एयर कंडीशनर में आप हैं, तो आप क्या करें, आप कभी भी एसी एनवायरनमेंट में बैठने के पहले व्हाट यू कैन डू इज अप्लाई अ मॉइस्चराइजिंग लोशन अ फेस पे, जितने जहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा थिक और ड्राई होने के चांसेस हैं, लाइक एल्बोज, नीज, फुट पोर्शन, हैंड्स, नेक, फेस। आप मॉइस्चराइजर लगाइए इन अ लोशन फॉर्म, एंड जिनकी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है ना, दे कैन अप्लाई मॉइस्चराइजिंग लोशन के ऊपर, दे कैन अप्लाई क्रीम्स ऑल्सो। सो उन्होंने जो वो लोशन लगाया हुआ है या फिर जो उनका मॉइस्चर है, वो इंटैक्ट रहता है। और कभी भी जो एसी के ब्लोअर्स रहते हैं, इफ यू आर सिटिंग इन अ कार, डोंट सेट द ब्लोअर डायरेक्टली ऑन योर फेस। आप थोड़ा नीचे रखिए जो आपके कपड़ों पे जाए, बट आपका वो डायरेक्टली स्किन हार्म नहीं करता। एक ये चीज और हम करते हैं कि सडनली हम ठंडे एनवायरनमेंट से, सपोज यू आर सिटिंग इन अ वेरी कूल कार, आपने एयर कंडीशनिंग ऑन किया है फुल, एंड सडनली यू आर स्टेपिंग आउट एकदम हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, सो ये जो फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का, या फिर सडनली आप गर्मी से आप अपने रूम में आते हो या कार में बैठते हो जो काफ़ी ठंडा है, तो ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, वो स्किन के लिए काफ़ी बैड है, या आपकी स्किन को हार्म करना है, बिकॉज वो स्किन टेम्परेचर मेंटेन करते करते सडनली अ स्किन कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम हाई टू लो, इट टेक्स टाइम। तो ये सडन फ्लक्चुएशन से भी आपकी स्किन में एजिंग प्रोसेस जल्दी दिखने लगती है, और स्किन में ड्राइनेस, इरिटेशन, ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप एसी एनवायरनमेंट में हैं, तो आप सडनली शिफ्ट मत होइए, इफ यू आर इन अ कार और इन अ रूम, आप थोड़ी देर के लिए एसी काफ़ी, मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ा दीजिए, इन द सेंस कि वो थोड़ा बाहर वाले एनवायरनमेंट को थोड़ा मैच हो जाए, एंड देन यू कैन स्टेप आउट, वेदर इंडोर्स हो या आउटडोर्स हो। अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो फिर आप एसी सडनली एकदम ठंडा मत रखिए, आप थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने के बाद यू कैन सडनली डिक्रीज इट। जितना हो सके एरिया कवर्ड रखिए अगर आप सेंट्रलाइज्ड एसी में हैं। सो अप्लाई क्रीम्स, लोशंस, एंड वेयर
थिक क्लोथ्स, जिससे जो ब्लोवर्स हैं या फिर एयर कंडीशनिंग से जो आपको वो हवा लग रही है वो डायरेक्टली आपके स्किन को हार्म नहीं करती है। तो इस तरह से आप एसी से अपनी स्किन को बचाएं। थैंक यू।